जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल सभा अब तक तेरी है। नमस्कार, बोल कि लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। 5 अगस्त 2020 एक बहुत ही अहम तारीख, जब राम मंदिर का शिलान्यास किया गया था। एक साल हो गया है धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटाए हुए। आज बोल के लब आजाद है तेरे में हम एक साल की समीक्षा करने वाले हैं कि 370 को हटाए जाने के एक साल बाद भारत को कितना फायदा हुआ, वहां की जनता का क्या हाल है, वहां की राजनीतिक प्रक्रिया किस ओर बढ़ रही है। ये तमाम मुद्दे देश हित में उठाए जाने बहुत जरूरी हैं। मगर चूंकि राम मंदिर शिलान्यास हुआ, लिहाजा मैं राम को जोड़ना चाहूंगा कश्मीर के साथ, और कैसे मैं आपको बता रहा हूं। मगर सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। राम मंदिर शिलान्यास हो गया, अब जश्न की ये तस्वीरें देखिए दोस्तों। यहां देखिए कोरोना वायरस को लेकर कुछ नियम कानून हैं, कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, इस सब को ताक पर रख दिया गया है। यहां पर देखिए ये साधु, ये राम भक्त जो हैं जश्न मना रहे हैं, और किसी को परवाह नहीं है कि आप इस तरह से कोरोना वायरस कोविड-19 को लेकर जो डूज एंड डोंट्स हैं, यानी कि जो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसकी अनदेखी करके आप अपनी जान किस तरह से जोखिम में डाल रहे हैं। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, जब तबलीग जमात का समारोह हुआ था निजामुद्दीन में, तब उस एक समारोह को लेकर देश में मुस्लिम समुदाय को बॉयकॉट करने तक की मांग कर डाली थी, और इसमें एक अहम किरदार निभाया था हमारे मुख्य धारा के न्यूज चैनल्स ने। मैं इन दोनों की तुलना नहीं करना चाहूंगा, मगर आज ये राम भक्त अपनी ही जान जोखिम में डाल रहे हैं। और बात यहां नहीं रुकती, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि देखिए हम धर्म के मामले में बहुत संवेदनशील हैं, राम के बारे में कुछ कह नहीं सकता। मगर यहां आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर जो है वायरल की जा रही है भारतीय जनता पार्टी प्रचार तंत्र की तरफ से, जहां राम का कद प्रधानमंत्री से छोटा बताया गया है। राम की उंगली पकड़कर प्रधानमंत्री उन्हें मंदिर की तरफ ले जा रहे हैं। अगर ये किसी और नेता ने किया होता तो कुछ लोग उसे विधर्मी बता देते, ईश निंदा तक करार देते उसे, और न जाने क्या क्या बतला दिया जाता। मगर यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने इस तस्वीर को वायरल किया, राम का कद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीचे दिखलाया, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर का मकसद सिवाय सियासत के, सिवाय अपने वोट बैंक को बढ़ाने के, और कुछ नहीं है। मगर आज मैं कश्मीर की बात करने आया हूं, और 370 की बात करने आया हूं कि एक साल बाद वहां की जनता किस तरह की जिंदगी बिता रही है। उसके लिए मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि गतिविधियां बहुत तेज हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू को उनके पद से हटाया जा चुका है, और यह शख्स जो आपके स्क्रीन पर है, मनोज सिन्हा, फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर, गाजीपुर से पूर्व सांसद, वो अब एलजी बनाए गए हैं, यानी कि एक राजनीतिक नियुक्ति, यानी कि केंद्र सरकार अब चाहती है कि वहां की राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हो जाए। मगर क्या उसके लिए जमीन इस वक्त माकूल है? क्या इस वक्त कश्मीर की जनता को हीलिंग टच देने की जरूरत नहीं है? मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि मैं राम को कश्मीर से जोड़ना चाहूंगा, और मैं क्यों कह रहा हूं उसके लिए आपको यह रामधुनी सुननी होगी, एक कश्मीरी की आवाज में। अब कश्मीरी कौन है आप खुद देख लीजिए। राम, 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 कब आओगे मोरे द्वार, मोरे गली गली ढूंढा, गली गली ढूंढा,
नहीं मिले मोहे राम मोहे श्याम मोहे श्याम। मुरली मनोहर कित गए मोरे श्याम मोरे श्याम मोरे राम। कब आओगे मोरी गली मेरे राम मोरे राम। जी हाँ, फारूक अब्दुल्ला। और फारूक अब्दुल्ला को आपने इससे पहले माता की जयकारे लगाते हुए सुना है, रामधुनी तो गा ही रहे हैं, भजन गाते सुना है, यानी कि मुख्य धारा का एक राजनेता। मगर हमने क्या किया था आज से एक साल पहले, इन चेहरों पर गौर कीजिए। फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे ओमर अब्दुल्ला, पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती, शाह फैसल, सज्जाद लोन, या तो इन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत नजरबंद कर दिया गया या कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और ये तमाम वो लोग हैं जो मुख्य धारा की राजनेता हैं, ये वो तमाम लोग हैं जो कश्मीर की जनता को भारत में विश्वास करने की सलाह देते रहते हैं, जिन्होंने इससे पहले ये सलाह दी कि आओ चुनावों में शरीक हो, यानी कि भारतीय लोकतंत्र का जश्न मनाओ। मगर इन्हें नजरबंद कर दिया गया। और बात यहां नहीं रुकती है, यह वीडियो देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा कर्मी जो हैं वो कटीले तार लगा रहे हैं। कुछ इसी तरह का मंजर रहा होगा जब कई राजनेता फारूक अब्दुल्ला के घर की तरफ बढ़े होंगे। मकसद यह था कि राजनीतिक प्रक्रिया को कैसे फिर से शुरू किया जाए उस पर चर्चा हो, मगर उन्हें रोक दिया गया। और इस बात की तस्दीक दो लोग कर रहे हैं, यूसुफ तारिगामी जो कि सीपीएम के नेता हैं, उन्होंने ये ट्वीट की है, उन्होंने खुद इस बात की तस्दीक की है कि हम फारूक अब्दुल्ला साहब से मिलने जा रहे थे और मकसद ये था कि ये बात की जाए कि अब पॉलिटिकल प्रोसेस को कैसे शुरू किया जाए, मगर रोक दिया गया था। और वही बात की तस्दीक ओमर अब्दुल्ला ने भी इस ट्वीट के जरिए की है। मैं ये समझना चाहता हूं, एक तरफ तो मनोज सिन्हा साहब को अपॉइंट किया जा रहा है बतौर एलजी, मगर दूसरी तरफ वहां के राजनीतिक दल जब मिलना चाहें तो उन्हें इस तरह से रोक दिया जाएगा। आज की तारीख में कश्मीर को जरूरत है हीलिंग टच की, कश्मीर को जरूरत है मुख्यधारा में फिर से शरीक होने की, मगर हम क्या कर रहे हैं, हम वहां के राजनेताओं को जो प्रो इंडिया लॉबी है उन्हें रोक रहे हैं काम करने से। और यह तस्वीर यह वीडियो हमें सालों तक सालता रहेगा। सैफुद्दीन सोज के बारे में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने गलत बयानी की थी, मैं झूठ कहना चाहता हूं मगर झूठ एक बहुत ही कड़ा शब्द है। जी हां, यह कहा गया था जब सैफुद्दीन सोज की पत्नी ने यह कहा था कि मेरे पति नजरबंद हैं, उन्हें रिहा किया जाए, तो सरकार ने गलत बयानी की कि नहीं है साहब, वो कोई नजरबंद नहीं है, कोई डिटेंशन में नहीं है, ऑल इज वेल। अब ये वीडियो देखिए, यहां पर सैफुद्दीन सोज बात कर रहे हैं और फिर किस तरह से सुरक्षा बल आके उन्हें रोक देते हैं, देखिए वीडियो। आपको आपको बाहर जाना अलाउड है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सामने गवर्नमेंट ने कहा हमें फ्री पर्सन, लेकिन यहाँ ये लोग नहीं मानते हैं, ये कहते हैं ऊपर से ऑर्डर है, अब मैं उसका क्या कर सकता हूँ। ये आप देखते हैं शहरी आजादी को क्या हो गया। I have decided to go to the court for whatever it is worth. सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोला जाता है, इसको आप तो हाईलाइट कर ही सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इस गवर्नमेंट ने उस गवर्नमेंट ने कहा कि मैं यही तो समझना चाहता हूं कि अगर सरकार चाहती है कि सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हो तो आप प्रो इंडियन प्रो भारत राजनेता हैं उन पर अंकुश क्यों डाल रहे हैं? इससे फायदा तो सिर्फ पाकिस्तान का है, इससे फायदा तो सिर्फ वहां के पृथकतावादी आंदोलन का है, क्योंकि वहां के जो सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं जिनका भारत में विश्वास नहीं है वो कश्मीर की जनता को बोलेंगे कि देखो भारत का तो विश्वास ही नहीं है कश्मीरियों में, किस तरह से दमन कर रहा है। तो मैं ये समझने का प्रयास कर रहा हूं कि जब फारूक अब्दुल्ला से ये लोग मिलने जा रहे थे तो आपने उन्हें रोका क्यों? बात यहां नहीं रुकती है।
यहां देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो लोग जश्न मना रहे हैं एक साल पूरा होने को, 370 हटाए जाने के एक साल पूरा होने को। मैं ये समझना चाहता हूं इन नेताओं से, तुम जश्न किस बात का मना रहे हो? गुर्बत का जश्न मना रहे हो? बेबसी का जश्न मना रहे हो? क्योंकि कश्मीर की जनता जो है वो मुख्यधारा से लगातार दूर होती जा रही है, और इस कार्यक्रम में मैं अभी आपके सामने उसके प्रमाण पेश करने वाला हूं। जी हां, और किस तरह से मीडिया जो है वो दिल्ली से उसे लाया जाता है और ये बताया जाता है ऑल इज वेल। अब ये मोहतरमा टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करती हैं, कह रही हैं सब कुछ सही है, और फिर खुद कुछ पत्रकारों ने उन्हें एक्सपोज किया। ये तस्वीरें देखिए आपके सामने, दो तीन तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर देखिए किस तरह से सड़कें खाली हैं, दुकानें बंद हैं। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, भारत की जो ताकत रही है ना पाकिस्तान की तुलना में, कि हम पूरी तरह से पारदर्शी रहे। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भारत के पक्ष को हमेशा सही पक्ष इसलिए माना क्योंकि हम ट्रांसपेरेंट रहे हैं, पारदर्शी रहे हैं। मगर अब मीडिया आकर ही झूठ बोलता है कश्मीर के बारे में, इससे भारत का हित कतई नहीं हो सकता है। आप ये ना भूलें, जब 2002-3 में कश्मीर का जब चुनाव कराया गया था, वो इतना बड़ा मौका था, कितनी बड़ी तादाद में कश्मीरी शरीक हुए थे चुनावों में। तब दुनिया भर का मीडिया उस वक्त वहां आया था। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं बीबीसी में था, बीबीसी लंदन से आए थे हम लोग उस कवरेज को करने, और हमने देखा था पूरी प्रक्रिया कितनी पारदर्शी थी। और क्या आप जानते हैं कि उस वक्त देश के प्रधानमंत्री कौन थे? ये शख्स, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जी को इस बात का डर नहीं था कि अगर मैं वहां चुनाव कराऊंगा तो कुछ जो छुपी हुई बातें वो सामने उभर कर आएंगे। नहीं, उन्होंने पूरी आजादी दी तमाम न्यूज चैनल्स को, आप जहां जाना चाहते हैं आप जाएं। मैं आपको बता सकता हूं, मैं अपने साथ, अपने ब्रिटिश प्रोड्यूसर के साथ अनंतनाग गया, पुलवामा गया, न जाने किस किस जगह पर गया, जो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील इलाके हैं, शरारे शरीफ तक गया मैं। मुझे किसी ने नहीं रोका जबकि मैं बीबीसी में था। मेरे साथ एक गोरा ब्रिटिश प्रोड्यूसर था, उसे भी किसी ने नहीं रोका। और फिर उसी शख्स ने कश्मीर को हीलिंग टच दिया। आज मैं समझने का प्रयास कर रहा हूं कि आपने, चलिए मनोज सिन्हा को अपॉइंट कर दिया एलजी, मगर मैं ये उम्मीद करता हूं कि समानांतर तौर पर आप कश्मीर की जनता की समस्याओं का समाधान भी करेंगे भारत के हित में। क्योंकि हो क्या रहा है, देखिए, आप लोग पीडीपी के साथ सरकार बनाते हैं, 3 साल तक सरकार चलाते हैं, और फिर उस आम को चूसकर कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं आप, जब आपको लगता है कि उसका फायदा नहीं मिल रहा है। और फिर कश्मीर का फायदा लगातार उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में अपनी सियासत को साधने के लिए करते रहते हैं, और इसका नुकसान भारत को होता है। मैं चाहूंगा कि आप इस पीडीपी नेता का यह बयान सुने, आज कश्मीर में बात करना एक गुनाह हो गया है, उसको लेकर लोगों के अंदर डर है। क्यों, आखिर क्यों, ये सवाल आपको पूछना चाहिए। क्या कह रहे हैं आप खुद सुनिए। You see sadness all over Kashmir. There's no celebration. There's nothing happening actually. People are silent. And there's a constant state of mourning that people are yet to recover that this has happened to us. So there is huge anxiety. There's huge anger also and silence in Kashmir. Of course there is fear. Of course there is a lot of fear. The large scale detentions have contributed to fear and also to silence. People are scared to talk. Last time I spoke, I was detained for six months, and then for 6 months I continue to be under house arrest. So I'm taking a huge risk when I'm talking to you. I don't know what is the ramification of talking in the Modi's new India. और मुझे लगता है उनकी ये बात भी वाजिब है जब वो ये कहते हैं कि देखिए कश्मीर पर भारतीय जनता पार्टी तो खुल के सियासत कर सकती है, कश्मीरियों को बदनाम कर सकती है, मगर हम जो हैं वो 370 पर अपनी बात नहीं कह सकते। क्या कह रहे हैं फिर से सुनिए। पंजाब में आप बात करते हो, हरियाणा में, महाराष्ट्र में आपने बात की 370 की, 35A की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर स्क्रैप किया। हर कश्मीर का मुद्दा इलेक्शन में हर जगह हिंदुस्तान में इस्तेमाल होता है, लेकिन एक्सेप्ट कश्मीरी, हर बंदा इस पर सियासत करेगा, मसला हमारा, मुद्दा हमारा, लेकिन हमें बोलते आप खामोश तमाशगीर बनिए, आप बात नहीं कर सकते हो। लेकिन हिंदुस्तान के हर इलेक्शन में कश्मीर पर बात होगी। हम डिटेंशन में थे एंड वी सॉ हाउ बीजेपी, कांग्रेस, ऑल पार्टीज महाराष्ट्र में हर गांव में बोलते थे मसले कश्मीर पर,
370 पे, 370 पे, हरियाणा में बात हुई, उत्तराखंड में दे ट्राई टू सेल दिस। और आप जानते हैं मैं उनकी बात में वजन क्यों मानता हूं, क्योंकि आपको याद होगा जब धारा 370 हटाया गया था तो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं जो कि मुजफ्फरनगर से हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि साहब अब हमारे लड़के जो हैं कश्मीरी लड़कियों से शादी कर सकते हैं, गोरी गोरी कश्मीरी लड़कियां अपने घर ला सकते हैं। कुछ इसी तरह की बात हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने एक दूसरे नेता को उद्धृत करते हुए, उनको कोट करते हुए बयान किया था। क्या एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है इस तरह का बयान देना? एक पूरा प्रचार उस वक्त चलाया गया था कि भगवाधारी भगवाधारी करो तैयारी, कश्मीर में होगी ससुराल तुम्हारी। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वहां के लोग भी हमारे हैं। ये मत सोचो कि एक बंजर जमीन के टुकड़े को तुम देश कह सकते हो, नहीं, एक जमीन का टुकड़ा आबाद होता है वहां के पेड़ पौधों से, वहां की वनस्पति से, और सबसे अहम बात वहां के खुशनुमा लोगों से, वहां के खुशनुमा लोगों से। और आज इसी तरह से इस तरह के कवि अपने दर्द को बयां कर रहे हैं, सुनिए। लुटा दया रे हुस्न में वफा जदों का काफिला, मजार है किधर किधर गिरा कहां कहां लहू, गिरा है जिस भी खाक पे कयामतें उठाएगा ये सुर्ख सुर्ख गर्म गर्म ताजा नौजवान लहू, गवाह खुद जमाना है किताबे पाक है दलील, बराह हक बहे अगर न जाए राय दान लहू। आप जानते हैं जब से धारा 370 वहां से हटी है उसके पिछले एक साल में कश्मीर को कम से कम 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। कैसे उभरेगा कश्मीर इससे, यह सवाल उठाया जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, जब तक आप आम कश्मीरी को मुख्यधारा में शामिल नहीं करेंगे, जब तक उसे नौकरी नहीं देंगे, जब तक उसको रोजी रोटी नहीं देंगे, तो उसका ध्यान फिर विघटनकारी चीजों की तरफ बढ़ेगा, भारत विरोधी चीजों की तरफ बढ़ेगा, और यह भारत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अब मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूं दो भाइयों की। ये दो भाई देख भी नहीं सकते हैं, पिछला एक साल इनके लिए किसी नरक से कम नहीं रहा है। सुनिए, देखिए। अस पाँच अगस्त ब्रोट पी जिंदगी ठीक पा गुजारान असल पानुन अयाल पकान पे गरिक बच पकान पुन सोरे वतन बिहन लसन बसन सोरे कह मन दिक्कत तकिए बनान या बिस्तर हवान तनान तल तोत बनान मान पु कम दो पुन रोजगार मे पानस कोरि ज नचू अ मान मजबूर परेशान गा कहो पाँच दफा त्रे हथ सत तुल पाँच अगस्त पे वनान तुल तो वनान तुल तो वह क्या तो तन आई सर मन सख्त गरीबी तन आन जन वोल कह मान तकलीफ वचन हूँ मान मातहत कंस मगर ये पाँच अगस्त वो तन रूद मातहत सही मातहत क्या वन गर बिहत मान वन फाक तेकान लगित अस मन कहीं बिल्कुल अस नश पान तकरीबा वन। तो देखा आपने, चाहे कवि हो, चाहे एक आम मजदूर हो काम करने वाला, चाहे राजनेता हो, आज कश्मीर में सब बेबस दिखाई दे रहे हैं। और मोदी सरकार का ये दायित्व बन जाता है कि इन्हें हीलिंग टच दें, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दी थी। जो बीज उन्होंने बोए थे वो फसल, वो लहलाती फसल हमने 2004 से 2013 तक देखी थी, जब कश्मीर में काफी हद तक शांतिपूर्ण माहौल था। बहुत जरूरी है उस हीलिंग टच की, मगर कश्मीर में आज पत्रकार अपनी बात तक नहीं कह सकता। ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें पत्रकार गुहार लगा रहा है कि मुझे अपनी बात रखने की आजादी दी जाए, जिंदगियां उनकी बर्बाद हो चुकी हैं, एडिटोरियल्स तक वो नहीं छाप पा रहे हैं, हकीकत तक नहीं रख पा रहे हैं। मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि 2002 में जब चुनाव हुए थे उस वक्त अटल जी ने पूरी आजादी दे दी थी इंटरनेशनल मीडिया को भी कि आप जाओ रिपोर्टिंग करो, जो मर्जी दिखाना करो, और वो एक बहुत ही संवेदनशील माहौल था। आपको याद है पार्लियामेंट में अटैक हुआ था और उसके बाद यह घटनाक्रम होता है, मगर बावजूद इसके किसी तरह का अंकुश नहीं लगाया गया था। तो अब यह अंकुश क्यों लगाया जा रहा है?
और क्या आपको लगता है पिछले एक साल से भारत की साख बढ़ी है? आपके स्क्रीन पर इस वक्त यूएस फॉरेन रिलेशंस कमेटी यानी कि अमरीकी विदेश मंत्रालय का एक विभाग, वो क्या कह रहा है कि भारत और अमरीका के संबंध सही दिशा की ओर जा रहे हैं, मगर पिछले एक साल में धारा 370 हटाए जाने के बाद माहौल चिंताजनक है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह बयान जो है वो कश्मीर का अंतरराष्ट्रीयकरण है या नहीं है? बात बात पे ये शख्स अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बात बात पर ये कहते हैं कि मैं मध्यस्थता करना चाहता हूं, भारत और पाकिस्तान के बीच में मीडिएट करना चाहता हूं। जो काम पिछले 70 सालों में नहीं हुआ वो पिछले एक साल में हो गया, कश्मीर का इंटरनेशनलाइजेशन, क्या ये भारत के हित में है? दोस्तों, आज जो मैंने आपको इस कार्यक्रम में बातें रखी ना, वो बिल्कुल तर्कों पर आधारित थी, भारत के नजरिए से थी, भारत के हित से थी। मैं बार बार लोगों से कहता रहता हूं, देखिए ये मत सोचिए कि कश्मीर के नाम पर आप मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, तमाम जगहों पर सियासत खेल लेंगे तो उससे कश्मीर का भला हो जाएगा। नहीं, कश्मीर जितना ज्यादा ज्वलंत, जितना ज्यादा अराजक, जितनी ज्यादा वहां अशांति रहेगी, उतना ही नुकसान भारत को होता रहेगा। हमारा अंतर्राष्ट्रीय साख पे पाकिस्तान को उसका फायदा मिलेगा। तो मेरी आप सबसे अपील कि एक साल हो गया है, इस देश की जनता होने के नाते संवेदनशील रहिए कश्मीरी हितों की, वहां की आवाम, वहां की जनता को लेकर, और इस पूरी पॉलिटिकल प्रोसेस को लेकर केंद्र सरकार भी बहुत संजीदा रवैया अख्तियार करे। यही सही मायने में राष्ट्रभक्त होना है, देशभक्त होना है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।